press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत का एक भगोड़ा है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। अब उसे मलेशिया ने भी लात मार के निकाल दिया और आप जानते हैं उसका नया घर है पाकिस्तान। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर निमरा अहमद को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी कोशिश यही रहती है, इसलिए शेड्यूल जितना भी टाइट हो, जिस भी मुस्लिम कंट्री से मुझे बिठाया जाता है किसी भी चैनल पर, मैं जरूर बैठती हूँ ताकि मेरी बातों को सुन करके जिस भी मुस्लिम कंट्रीज की मुस्लिम बेटियां हैं वो रिफॉर्मेशन एक्सेप्ट करें, वो एडुकेटेड हो जाएं, वो पावरफुल वुमेन हो करके निखर कर सामने आए। इसलिए बिल्कुल मैम, यही तो आपकी अच्छाई है और इसी वजह से शायद आप इतनी रिनॉन्ड पर्सनालिटी बन गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक इस्लामिक प्रीचर हैं जिनका काफी ज्यादा पाकिस्तान में भी चर्चा रहता था और हिंदुस्तान में भी काफी उनको देखा जाता था। जाकिर नायक के बारे में बात कर रही हूँ, जिनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था लेकिन अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और 5 अक्टूबर को उनका कराची के अंदर होने वाला है, पूरा लेक्चर देंगे वो। और उन्होंने कहा है कि 3 सिटीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर वो प्रीचिंग करेंगे और इस्लामिक लेक्चर्स देंगे। तो मैम, इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि उनको भारत में बैन किया गया था लेकिन अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जैसे पालतू कुत्तों के साथ साथ अब पाकिस्तान की सरकार को मिल रहा है। पाकिस्तान की आवाम भूखे मर रही है, पाकिस्तान की आवाम रोटी रोटी के लिए तरस रही है, पाकिस्तान की आवाम ब्लास्फेमी का शिकार हो रही है, पाकिस्तान की आवाम में फिरकों के नाम पर मस्जिद और इमामबाड़े तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम जाहिल हो रही है और पाकिस्तान की सरकार को नया नवेला कुत्ता बुलाने में फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और इसकी एक झलक दिखाई भी दी कि अभी हालिया में जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो उनकी कितनी इज्जत हुई, उनका कितना कद्र हुआ और पाकिस्तान के वजीर आजम को दूर दूर तक देखा भी नहीं गया, पाकिस्तान के वजीर आजम दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिए। मानो मत निकल। अब आपने जाकिर नायक के बारे में बात कही है, पहले भगोड़ा, भारत से भागना पड़ा। जाकिर नायक ने अपना एक स्कूल खोला था हमारे भारत में, जहां से ये पता चला कि वो आतंकी संगठन तैयार कर रहा था, जिसके स्कूल से कई छात्र अरेस्ट हुए थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, PFI से था। जाकिर नायक के स्कूल में जिस किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी वो देश और दुनिया सबके सामने आ चुकी थी और हजारों लाखों केसेस जाकिर नायक पर भारत में दर्ज हैं। अब इसके बाद फिर जाकिर नायक निकला और पहुंच गया मलेशिया। मलेशिया में भी उसने वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। हालिया में उसका एक वीडियो मस्जिद के अंदर मलेशिया में एंटर होते हुए दिखाई दिया था और फिर उसके बाद अब कुत्ते के दुम जितना भी गाड़ दो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, 10 जन्म भी गाड़ो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मलेशिया की मस्जिदों में भी उसने स्टार्ट किया वही प्रोवोकेटिव और हेट्रेट स्पीचेस और वहां के लोगों को भी तकलीफ महसूस होने लगी और मलेशिया की सरकार को, मलेशिया के सिटीजन ने जाकर के बताया कि जाकिर नायक मस्जिदों में बैठ करके प्रोवोकेटिव हेट्रेट और आतंकी भाषणबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो मलेशिया देश के लिए बहुत ही खतरे का बास है। बस इतना शिकायत दर्ज होना था कि मलेशिया ने कहा कि चलो भैया अपना लोटा कंबल उठाओ और पैर पटक करके यहां से निकलो। अब मरता क्या नहीं करता, क्योंकि अरब जाकिर नायक को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था
और जब अरब तैयार नहीं था तो जाहिर सी बात है कि 56 मुस्लिम कंट्रीज जाकिर नायक के मुंह पर थूक चुकी थी। अब बचा कौन? बचा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो हर तरीके के आतंकी पालतू कुत्तों को पालता है, पाकिस्तान जो हर तरीके के जिहादी, बलात्कारी, घिनौने, आवारे, लुच्चे, लफंगे, बेहुदा, बेशरम मर्दों को पाल करके जानबूझ करके रखता है ताकि वो अपने पाकिस्तान में भी एक हॉरर माहौल बना करके रखे और महिलाओं पर अत्याचार करता रहे और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर अत्याचार करता रहे, तो ऐसे पे तो सोने पे सुहागा हुआ ना। वो कैसे हुआ? अब जाकिर नायक नाम का एक आतंकी कुत्ता और मिल गया। अब आपने जाकिर नायक के लिए कहा कि वो यहाँ वहां पर जाकर के पाकिस्तान की सरजमीन पर प्रीच करेंगे और वो इस्लाम की बातें बताएंगे। इस्लाम की बातों में जाकिर नायक मास्टरबेशन की बात भी बताते हैं कि मर्द को कितनी बार मास्टरबेशन करना चाहिए, मर्दों को मास्टरबेशन करना हलाल है या हराम है, और जाकिर नायक मास्टरबेशन के बारे में कितनी बार तबसरा कर चुके हैं। अगर मेरी बात से किसी को भी गुरेज है या ना इत्तेफाकी पहुंच रही है तो गूगल उठाएं और सर्च करें कि जाकिर नायक स्टेटमेंट ऑन मास्टरबेशन इन इस्लाम, ये सर्च करें गूगल पर। जाकिर नायक के हिसाब से मर्द मास्टरबेशन जो करते हैं वो हलाल है, हराम नहीं है। जाकिर नायक के हिसाब से औरतें अगर एक मर्द से चार चार लड़कियां शादी ना करें तो उन्होंने कई बिलियन औरत के बारे में बताया है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो करके पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये जाकिर नायक की प्रीच है, मैं आपको भेज दूंगी अगर वो आपको ना मिले। जाकिर नायक ने बजाबते कई कंट्रीज में जाकर के ये स्पीच दी है। जब एक मुसलमान महिला ने उनसे पूछा कि चार शादियां करना बहुत जरूरी है क्या, तो जाकिर नायक ने कहा, एक कैलकुलेशन उन्होंने बैठाया और कैलकुलेशन बैठा करके उन्होंने कहा कि एक मर्द से चार औरतों को निकाह कर लेना चाहिए, अदरवाइज कितना उन्होंने 2.8 मिलियन ना बिलियन कहा कि इतनी मुसलमान औरतें जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएंगी, मतलब हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएंगे अगर हम एक मुसलमान मर्द के बिस्तर पर चार चार औरतें कपड़ा खोल करके नहीं सोएंगे। तो जाकिर नायक जैसा अश्लील, बेहुदा, बदतमीज इस्लामिक प्रेचर इस पूरी दुनिया की सरजमीन में पाकिस्तान के अलावा और कहीं रह भी नहीं सकता था और कहीं बस भी नहीं सकता था, उसका गुजारा कहीं और हो भी नहीं सकता था। जब वक्फ बोर्ड पर, भारत के वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर जब जाकिर नायक का पहला स्टेटमेंट आया था तभी मैं समझ चुकी थी कि कोई ना कोई खिचड़ी भारत के वो मुसलमान जो पाकिस्तानी फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो हाफिज सईद के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो मुफ्ती तारिक जमील के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो मुफ्ती तारिक मसूद के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो दाऊद इब्राहिम के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो जैश मोहम्मद के फॉलोअर हैं, वो जाकिर नायक की वक्फ बोर्ड पर दिए हुए इस स्टेटमेंट को जरूर वायरल करवाने की कोशिश करेंगे। और उसके ठीक 42 घंटे के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान के एक एंकर के साथ उनका पॉडकास्ट आया और उसी वक्त मैंने ट्वीट किया कि अब पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की अवाम को नया आतंकी कुत्ता बहुत बहुत मुबारक हो। तो पाकिस्तान के अलावा ऐसे गटर और ऐसे बेहुदा मर्दों का गुजारा और कहां हो सकता है निमरा? वैसे मैम अगर अभी पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही दो नंबर मौलवी और मुफ्ती वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उनके फॉलोअर्स आप यकीन करें मिलियंस में है, उनके फॉलोअर्स मानने वाले कि अगर वो कोई रॉन्ग स्टेटमेंट भी देते हैं तो वो मान लेते हैं, वो खुद सर्च वगैरह कुछ नहीं करते। जैसे कि औरतों पर अटैक करना, इस्लाम के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी है वो सारा का सारा इस्लाम जो है उनका वो औरत के दुपट्टे से शुरू होकर और औरत के दुपट्टे पर ही खत्म हो जाता है। और जिस तरह से आपने बताया कि जाकिर नायक टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस थे और उन्होंने मास्टरबेशन के हवाले से भी इस तरह से स्टेटमेंट्स दी है और औरतों के बारे में भी इस तरह से स्टेटमेंट्स दी है, पहले ही हमारे लोग इतने बिगड़े हुए हैं कि वो खुद सर्च नहीं करते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट सुनने में पाकिस्तानियों को मजा भी बहुत आता है, नो डाउट। तो जाकिर नायक के यहाँ पर आने से आपको क्या लगता है कि वो जो सोने पर सुहागे वाला काम होगा, जो एक मेंटालिटी बनी भी है पाकिस्तानियों के माइंड में बिठा रखा, आपको क्या लगता है मजीद और हालात
कितने खराब होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, जितने भी पाकिस्तान या भारत के, भारत में तो कुछ मौलवी मुल्ला और मुफ्ती हैं जो बहुत अच्छे हैं, वाकई में वो सही अल कुरान से वाबस्तगी मुसलमानों की करवाने की कोशिश करते हैं, पर उनको बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनको टीवी नेशनल न्यूज से बॉयकॉट करवा देता है। ये पाखंडी मुल्ला लोग, क्लेरिक लोग, प्रेचर लोग, उनको उनको लोगों के सामने आने से बॉयकॉट करवा देता है। लेकिन मेरे भारत में कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला और मुफ्ती हैं जो वाकई में अल कुरान की सही चीजों को फैलाने की और समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का तो ऐसा है कि जितने भी मौलवी मुल्ला और मुफ्ती हैं वो या तो भड़काऊ भाषण देते हैं, या तो 72 वर्जिन हूरों का चूरन बांटते हैं, या तो ये कहते हैं जन्नत क्या है, जन्नत तो अय्याशी की जगह ही है भाई, कोठा और चकला ही है भाई। अभी हालिया में हमने देखा कि कैसे एक डॉक्टर को ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में फंसाया गया और फिर उसको कत्ले आम करने की कोशिश की गई, और उसको बचाने वाला कौन था? उसके शव को लेकर के 10 किलोमीटर दौड़ने वाला कौन था? एक हिंदू था कि नहीं भाई ऐसा मत करो, ये मुसलमान है, इसको जलाओ मत, इसको दफन करो। तो जो श्रीमद् भगवद गीता जो हिंदू पढ़ते हैं वो अपनी इंसानियत कहीं पर भी कैसे भी करके दिखाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो किसी भी हालात में हो। हालांकि निमरा, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और पूरी दुनिया को भी पता है कि हिंदुओं के हालात को बद से बदतर कर दिया गया है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी ऐसे दबे कुचले हालात में, ऐसे डरावने हालात में भी एक हिंदू ने डॉक्टर साहब, एक मुसलमान डॉक्टर के शव को लेकर के वो 10 किलोमीटर दौड़ा और मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश किया कि ऐसा मत करो इसके साथ, और इसको जलाओ मत, इसको दफना दो। लेकिन फिर भी देखो, मुसलमान एक ऐसा ऐसा प्राणी है, पाकिस्तान का मुसलमान अब इंसान बचा नहीं है, पाकिस्तान का मुसलमान अब जोम्बीज हो चुका है, एनाकोंडा हो चुका है, मुंह में खून का मजा लग चुका है, या तो तलवार से काटेगा या तो जलाएगा। और ऐसे हालात हम दिन ब दिन पाकिस्तान में बद से बदतर होते हुए देखते चले जा रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसे सारे क्राइसिस से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने जाकिर नायक को वेलकम कहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में लाखों पाकिस्तानी जो एडुकेटेड है, जो बहुत इलीट फैमिली से आते हैं, जो ह्यूमैनिटी का 10% भी आज भी अपने हृदय में रखे हुए हैं, वो जाकिर नायक के आने के बाद वो पाकिस्तान छोड़ने पर ही मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जाकिर नायक वो व्यक्ति है जो जहां कदम रखता है वहां आतंक फैलाने का और पुरजोर आतंक फैलाने की कोशिश करता है और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर फैलाने की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।